चलते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। जो आती है जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि आज बैठक बुलाई है और उसके लिए योजना बजट में प्रोविजन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भेदभाव होता है जाति जनगणना कराने से, तब तो धर्म की गिनती नहीं करानी चाहिए क्योंकि धर्म में भी जो है भेदभाव होगा उससे पैदा होगा। तब तो भाई अमीर और गरीब, क्योंकि अमीर जो है लगभग जो है 11% के पास जो है 90% जो है लैंड होल्डिंग है इस देश में, और 90% के पास जो है तकरीबन जो है 9% ही है। तो अगर ऐसा होगा तो अमीर और गरीब में भी तनाव होगा, लेकिन आंकड़ा तो हमारे सामने है, ऐसा कभी तनाव की परिस्थिति तो आई नहीं है, बल्कि यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। और उस हिसाब से अभी कानून बनाया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया है कि कौन सी ओबीसी, स्टेट तय करेगा कि कौन सी जाति को ओबीसी में डालना है, इन व्हाट बेस। तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है ओबीसी में डालना है, ईबीसी में डालना है, या गरीब है, आर्थिक शैक्षणिक तौर पे भी होता है काउंटिंग, तो इसमें कोई अलग से खर्चे की भी बात नहीं है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में दो बारी सवाल पूछा गया है इसी मानसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया है, लेकिन ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। सुशील मोदी का एक ट्वीट आया है इस बैठक से ठीक पहले, और उसमें वो सीरीज ऑफ ट्वीट में वो बता रहे हैं कि बीजेपी समर्थन करती रही है इसका, कभी विरोध नहीं किया है। तो ये बैठक से पहले किस तरह की कोशिश बीजेपी कर रही है? जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, एससी एसटी का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है, तो कराना चाहिए। यूपीए की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था, तो जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था, उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है, अब देखिए, अब सरकार को तो कई फैसले लौटाने भी पड़े। नीट का जो मामला था, जब लोग सड़कों पर दिखे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लौटा रहे किसान वाला नहीं लौटा रहे, होता है लेकिन संघर्ष जारी, कुछ चीजें जल्दी हो जाती है, कुछ चीजें लेट हो रहा प्रधानमंत्री जी का समय। और यहाँ पर आपने तेजस्वी यादव जी को सुना जिन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आज के समर्थन में है, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी अगर चाहती है तो फिर जातीय जनगणना करवानी चाहिए, सरकार को जातीय जनगणना जरूर करवानी चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टाइम दिया है तो उसके लिए भी उन्होंने आभार जताया है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।